अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का जो है ना शॉपिंग हॉल लेकर आई हूँ। एक तो मैंने शॉपिंग की है, दूसरा मुझे पीआर रिसीव हुई है, और एक मैं बहुत शदीद किस्म का स्कैम हुई हूँ एक पेज के थ्रू। और अगर आप लोगों ने उस पेज को अभी भी आप लोग मतलब आपको लगता है कि आप लोग उधर से ख़रीदेंगे तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, तो वो नहीं मिल सकती। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था, बट वीडियो आपने देखनी है एंड तक कि मैंने क्या ख़रीदा और किस में मैं स्कैम हुई। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चेज़ वैल्यू। चेज़ वैल्यू इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोर। बहुत रीज़नेबल है, चीज़ें वहाँ पर बहुत सस्ती मिलती हैं, आपको जो कुछ भी चाहिए सीरियसली उस एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिलता है। कपड़े, जूते, ज्वेलरी, बेडशीट्स, मैट्रेसेस, यू नेम इट, यू कैन फाइंड इट देयर। तो वहाँ पर चीज़ें बड़ी रीजनेबल होती हैं। तो मैं ऐसी पिछले दिनों मेरे हस्बैंड आए हुए थे, अभी ही हैज़ गॉन, तो मैं जब वो इधर होते ना तो मैं बाज़ार बहुत जाती हूँ, अपने सारे वो काम कर लेती हूँ जब वो नहीं होते, जब उनके ना होते हुए मुझे ज़रूरत होती है। तो मैं गई थी और मुझे चलो मैं चक्कर लगा लेती हूँ। तो चेज़ वैल्यू पर मैंने क्या क्या लिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे मैं वहाँ से ज्वेलरी बहुत लेती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने कोई ज्वेलरी नहीं ली। जो मैंने लिया है वो मैंने बहुत काम का लिया है, और कुछ चीज़ें मेरी बेटी ने ली हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है ना वो है ये स्पंज। सीरियसली आप इसकी क्वालिटी देखिए, ये तीन स्पंज हैं, ठीक है? एंड बिलीव मी, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। मैंने रियल जो है ना वो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही। और बस उसकी प्राइस बहुत एक्सट्रीम पे हाई होती है, इसकी नहीं है। आई थिंक इट वाज सॉरी, लेट मी वेयर माय ग्लासेस क्योंकि इसके बगैर मैं रीड नहीं कर पाऊंगी, जस्ट होल्ड ऑन। इसकी प्राइस है इट वाज 590 रुपीज़ और 550 रुपीज़। तो ये जो है आप देख सकते हैं, इसमें एक येलो कलर है, एक इसमें ये लाइट ग्रीन कलर का है, और एक जो होता है ना ये ग्रीन कलर। और बहुत डिफरेंट शेप के ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, और इसको बस आप थोड़ा सा वेट करें और फेस पे यूज़ करें। आई यूजली थ्रो माय ब्यूटी ब्लेंडर आफ्टर थ्री मंथ्स, नॉट मोर देन दैट। मैं वॉश करती हूँ एवरी वीक। वैसे आई एम नॉट इन टू अ मेकअप, लाइक आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन, तो मुझे ज़्यादा मैं स्किन केयर की तरफ जाती हूँ। बट वो जब आप लोगों के साथ मुझे वीडियो बनानी होती है तो थोड़ा बहुत मैं कंसीलर लगाती हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं लगाती मेकअप। यूजली मैं बाहर इतना जाती भी नहीं हूँ। तो ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर इसलिए लिए कि इफ़ इट वॉज़ गुड तो मैं ज़्यादा ले लूँगी, ताकि आपको अगर एक आपने यूज़ करके फेंक भी दिया तो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ होगा। सबसे अच्छी बात यह कि ये बहुत प्यारे से पाउच के अंदर है, तो अगर आपके घर के करीब है चीज़ वैल्यू तो गो फॉर इट। एक तो इतना प्यारा सा इसका बैग बहुत प्यारा है इसको रखने के लिए। एक सेकेंड मैं जरा इसको बंद करती हूँ, ये देखिए, ठीक है? एक तो मैंने ये ख़रीदा, इट वाज 550 590 कुछ इस तरह का था। दूसरा ये एक मिस्ट मैंने लिया है, बॉडी मिस्ट एंड फ्रूट पैशन, ठीक है? और क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है, आपको पसीने आ जाते हैं, तो ये इतना छोटा सा है, आप इसको अपने बैग के अंदर रखें, आपको बाहर जाते हैं तो आप मिस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म, बहुत बहुत इनके रिफ्रेशिंग, जो गर्मी के लिए मोस्टली लोग यूज़ करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो ये आई डोंट रिमेंबर, इट वॉज 500 और 400, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन बहुत अच्छा मिस्ट था। एक तो मैंने ये लिया, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने वहाँ से नहीं ली थी, और एक मैंने ये पिन्स ली हैं, ये देखिए आप पिन्स देख सकते हैं, और ये बहुत अच्छी थी। इसकी भी प्राइस आई थिंक 200-300 रुपये थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। इसके अंदर ये देखिए कितनी बहुत सारी सिल्वर है और कितनी बहुत सारी गोल्डन है, वो ब्लैक वाली टिपिकल नहीं है, ये डिफरेंट पेंस हैं। जैसे गर्मी होती है अपने बाल पीछे टाई कर लिए तो ये वाली पेंस लगा ली। तो एक तो मैंने ये लिया था, ये बस एक छोटी मोटी निकनैक्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको अब दिखाती हूँ अपना पीआर। पहला जो मुझे पीआर रिसीव हुआ है, ये रिसीव हुआ है, दिस इज़ फ्रॉम अल रिया, ठीक है? इतना खूबसूरत ये सूट है, इट इज़ हैंड ब्लॉक प्रिंटेड, ठीक है? और ये सारे जो कलर्स इसमें यूज हुए हैं ना ऑर्गेनिक हैं। जैसे बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। आप लोग इनके पेज पे जा सकते हैं, इन्होंने मुझे एज अ पीआर भेजा था और मुझे अच्छा लगा, तो मुझे था कि चले मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, मुझे प्राइस नहीं पता क्योंकि उन्होंने प्राइस कहीं मेंशन नहीं की हुई थी, और मैंने अपने जब इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी शेयर की थी तो उन्होंने मतलब उनकी रील, तो उन्होंने नीचे सबको कहा था डीएम कर दें, तो मैं इनका लिंक छोड़ दूंगी, आप लोग इनसे पूछ सकते हैं। तो ये इस टू पीस है,
ठीक है। और ये जो कपड़ा है ना, इट इज लाइक लॉन मलमल टाइप का, बहुत सॉफ्ट है। एंड आई एम थिंकिंग कि आफ्टर ईद इंशाल्लाह ताला मैं इसे सिलवा लूंगी, क्योंकि अभी मैंने अपने तीन जो दो जोड़े दिए हुए हैं टेलर को, और इंशाल्लाह ताला कल फ्राइडे मीन्स आज जो ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, आप फ्राइडे को देखेंगे तो फ्राइडे को मेरे और कपड़े मिल जाएंगे। तो मुझे था कि मैं पहले ईद के दो और जोड़े सिलवा लूँ, उसके बाद मैं इसको सिलवाऊंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कि ये है कैसा। ये ब्लैक एंड मरून कलर के कॉम्बिनेशन में है। एज यू ऑल नो, मरून इज माई फेवरेट कलर। तो ये जो है, हाँ जी, ये दुपट्टा है इसका, ठीक है, ये इसका दुपट्टा है। सी हाउ ब्यूटिफुल दिस दुपट्टा इज। ये दुपट्टा है इसका, और ये इसके, ये यहां तक इसका दुपट्टा है, यहां तक इसका दुपट्टा है, ये इसके स्लीव्स हैं, एंड ये जो है ना इसकी शर्ट, शर्ट का फ्रंट एंड बैक है। तो ये बहुत प्यारा सा जो है ना, ये हैंड प्रिंटेड सूट है, मतलब ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है। जरा मैं इसको, लुक्स सो नाइस, बहुत अच्छा है। तो ये जो है वो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगी। बहुत प्यारा सूट है, अच्छा लगता है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। जरा मैं इसको इधर रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट पीआर पैकेज, जो कि मुझे वेयर हाउस है कोई अमेरिका में, एंड ये उन्होंने, उनके पास डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे ये भेजे हैं दो जूतों के पेयर्स। एंड उन्होंने मुझे कहा सिर्फ रिव्यू आपने हमारी जो है ना वो वेबसाइट पे लिख देना है। तो आई एम सो ग्लैड कि दे हैव सेंट मी द शूज। मैंने पहने नहीं है, मैंने सिर्फ एक आध बार पहने हैं, मतलब सिर्फ ट्राई करने के लिए, लेकिन मैंने पहने इस तरह नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो सबसे पहला पेयर है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑफकोर्स ये इंटरनेशनल ब्रांड के जूते हैं, इनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। दूसरा ये कि ये बहुत सॉफ्ट है, मतलब ये मैं हील पहन ही नहीं सकती, ये आप देख सकते हैं इट्स हील, बट ये इतने सॉफ्ट है। मैं ज़रा आपको दिखा दूँ इसकी शक्ल कैसी है, ये बहुत खूबसूरत। मैं एंड तक आप लोग देखिएगा, मैं आपको ये पहन के भी दिखाऊंगी, ये इतने खूबसूरत हैं। ये सारा लेदराइट है, वैसे मैं हील नहीं पहनती, उनके पास मोस्टली हील्स थी और बड़े कम्फी टाइप के जो है ना वो शूज़ थे, जो मेरे स्टाइल के थे वो तो उनके पास थे नहीं। तो फिर जो चूज़ किए मैंने वो यही किया था, मुझे तो चलो मैं कभी पहन लूँगी इसको, ब्लैक बहुत से कपड़ों के साथ चल जाता है। तो ये देखें आप कितने प्यारे हैं, मैं आपको एंड में, आप लोग वीडियो देखना एंड तक, मैं आपको ये पहन के भी दिखाऊंगी कि पैरों पे कैसे लगते हैं। और ये जब मैं पहन के फिरी हूँ ना, मुझे फील तक नहीं हुआ कि मैंने हील पहनी थी, अब तक ये अच्छी खासी हील है, और मैं हील पहन ही नहीं सकती, आपको पता है, जब तक कम्फर्टेबल हील ना हो। बट ये बहुत प्यारे, ये एक तो मैंने एक ये चूज किए थे, ये पेयर प्यारा है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दूसरा पेयर, सेकेंड। ये जो है ना, ये मेरे थोड़े स्टाइल के, क्योंकि मुझे ऐसे चप्पल बड़े प्यारे लगते हैं, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। ये देख सकते हैं कितने प्यारे गोल्डन कलर के, यू नो आई लाइक ब्लिंकी गोल्डन और इस तरह के कलर्स, बहुत खूबसूरत जूते हैं, बहुत प्यारे हैं। एंड इस तरह के मेरे पास पहले भी थे और वो टूट गए, तो ये जब मुझे नजर आया, मतलब ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो है वो दो जोड़े जूते उन्होंने मुझे भेजे हैं, इंशाल्लाह ताला आई विल बी वेयरिंग दिस चप्पल एंड द हील्स, एंड मुझे पता है ये बहुत कंफर्टेबल है। बाहर जो जूते बाहर के होते हैं ना, सॉरी, वो होते बड़े कंफर्टेबल किस्म के, तो मुझे तो खैर ये बहुत अच्छे लगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट, ज़रा शॉर्ट शॉर्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है फिर वीडियो। मैं निशात गई थी, लाइक गीगा मॉल वाले निशात, मुझे जो है वो बैग खरीदना था। बैग असल में जो मैं बैग यूज़ कर रही थी, मेरे 3 ईयर्स पहले लिया था, और काफ़ी वो ख़राब हो गया था, और उसकी जो सिलाइयाँ थी वो भी ख़राब हो गई थी। अदरवाइज़ आई एम नॉट वेरी लाइक, मेरे पास क्लच बहुत ज़्यादा है, बैग्स पर बहुत ज़्यादा इतने में ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो इससे बाज़ार जाना होता है। तो मैं वैसे क्रॉस बॉडी बैग्स टाइप लेती हूँ जब मैं बाज़ार जा रही हूँ फॉर शॉपिंग, तो वो मैंने बहुत यूज़ कर लिया था। नाउ आई वाज थिंकिंग आई शुड गो फॉर अ बिग बैग, क्योंकि जो छोटे बैग्स होते हैं उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा आती नहीं है। तो मुझे था कि मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ का बैग लूँगी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। ये बहुत प्यारा बैग है, इसमें दो कलर्स थे, ठीक है, इसमें दो कलर्स थे, एक सिल्वर था, उसकी पिक्चर मैं इधर डाल दूँगी अगर मुझे मिल गया निशात पे, और एक ये बैग था। और ये बैग जो है ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड बिलीव मी इसकी प्राइस भी मुझे निशात के हिसाब से बहुत कम लगी, क्योंकि निशात पे नॉर्मल बैग्स 12,000 रुपये के होते हैं, और ये इतना एक्सपेंसिव नहीं था। आपको याद होगा मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था चेज़ वैल्यू से टोट बैग, बट इट वाज नॉट ओरिजिनल। ऑफ कोर्स ये भी ओरिजिनल नहीं है, बट ये
बहुत फाइन क्वालिटी का टोट बैग है। सी कितना इतना सॉफ्ट ये बैग है और इट्स सो बिग। लाइक मुझे था कि मैं बड़ा बड़े साइज का बैग लूँ जिसमें मेरी ये देखिए काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी एंड ओपन ना हो, जैसे आप ब्रांड से लेते हैं ना तो ओपन होते हैं वो इधर से और सिर्फ यहाँ बटन लगा होता है, वो मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे होता है कि आपने बैग में चीज़ें रखी हुई होती हैं तो इस तरह ओपन नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देखें कि ये कितना, इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है इसके अंदर। हाँ जी, जो दूसरी चीज़ें वो नज़र आ रही मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। सो बहुत अच्छा बैग है, सो बिग। इसमें दो कलर्स थे, एक ये था और एक सिल्वर था। पहले मैंने सोचा मैं सिल्वर लेती हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत था एंड देन आई थॉट कि मेला हो जाएगा क्योंकि यू नो पाकिस्तान में इतनी मिट्टी होती है, इतनी गर्दा होता है और फिर मैं उड़ती रहूँगी कि ये तो मेला हो गया, ये तो ख़राब हो गया, तो इट्स बेटर कि मैं ये ना लूँ तो मैं ब्लैक लेती हूँ क्योंकि यू नो मैल खोर कलर होता है ब्लैक और चलता भी बहुत ज़्यादा है। वाइट होता तो कुछ दिनों के बाद ही मेरा दिल तंग होना शुरू हो जाता है कि ख़राब हो गया। अच्छा, इसकी प्राइस जो थी ना, जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने सेल में भी बैग्स देखे ना निशात पे, तो वो थे अराउंड 12,000, 10,000, 9,000 से कम के नहीं थे। और ये विदाउट सेल के था क्योंकि ये न्यू अराइवल में था। इसकी प्राइस थी 6,590 रुपीज़। ये 6,590 रुपीज़ का है। इसके अंदर जो है पॉकेट्स दो बनी हुई है फॉर मोबाइल और इसके अलावा अंदर एक मतलब एक अलग जो पॉकेट होती है वो भी है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है यू कैन सी के स्ट्राइप भी है और अच्छी खासी बड़ी स्ट्राइप है। लेकिन मोस्टली इफ आई एम होल्डिंग तो मैं इस तरह से अपने बैग्स को होल्ड करती हूँ, तो अगर मुझे नीड थी तो मैं इसकी स्ट्राइप भी यूज़ कर लूँगी। सो ये बैग जो है ना आई विल रेकमेंड इंशाल्लाह ताला आई विल यूजिंग। इसके भी यहाँ पर जो है ना टम्बलर के लिए या जो पानी का जो आपका होता है उसके लिए यहाँ पर जगह बनी हुई, आप यहाँ पर लटका सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो आई विल बी यूजिंग इट लाइक दैट। बट ये कि बहुत अच्छा बैग है, बहुत खूबसूरत बैग है। आई एम सो हैप्पी। इतने दिनों से मैं बैठी हुई थी कि आप लोगों के साथ एक दफ़ा शेयर कर लूँ, उसके बाद आई विल बी यूजिंग इट। सो इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी एंड वेरी गुड साइज बैग जिसमें आपका बहुत सामान आता है, स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। ट्रैवल में ना आप, मैं तो बैग में इतनी चीज़ें डाल देती थी, मेरे पास तो पहले एक बहुत अच्छा साइज का बड़ा बैग था, वो तो खैर मैंने दे दिया, पता नहीं कितने साल मैंने चलाया था। वही होता है कि ट्रैवलिंग में बड़ा काम आता है, आप उसमें चीज़ें डालो, बच्चों की चीज़ें डालो, अपनी भी डालो, मेकअप पाउच भी डाल दो, सब कुछ डाल दो तो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन छोटे बैग में ना ये प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज द फर्स्ट परचेज जो कि मैंने निशात से की थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ वहां पर जो सेल लगी हुई है बैग्स पे। आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिया है एक अदद वॉलेट। मेरा वॉलेट भी बहुत खराब हो गया था, मैंने खरीदा था आई थिंक मीशो से, नहीं लाइम लाइट से, हालांकि मैंने 6-7 महीने पहले खरीदा होगा लेकिन मेरा वो वॉलेट बिल्कुल खराब हो गया लाइम लाइट का। तो ये बड़ा प्यारा, इसमें दो तीन कलर थे, एक तो ब्लैक था, एक इसमें ऐसे ब्राउन कलर का था और एक ये रेड था। रेड मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्यारा सा कलर था। और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर खाने कितने बहुत है, इसमें कार्ड्स रखने की बहुत सी जगह है और इसके अंदर भी कार्ड्स रखने की अलग जगह है, हिडन सी। ये देखिए अंदर भी हिडन जगह है जहाँ पर आप अपने कार्ड्स रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना इसके यहाँ पर भी आप अपने कार्ड्स रख सकते हैं, यहाँ पर भी कार्ड्स रख सकते हैं, कार्ड तो होते नहीं है। और ये अंदर जो है ना इसकी यहाँ पर एक पॉकेट है और यहाँ पर एक पॉकेट है, तो अच्छा खासा जो है ये बिग साइज़ का, मतलब इसमें जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ का होता है ये वो है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि बहुत डिसेंट है, जब आपने हाथ में अगर सिर्फ अपना वॉलेट ही होल्ड किया हो ना तो बहुत अच्छा लगेगा। सो खैर, ये वाला मैंने वॉलेट लिया था और ये वाला मैंने बैग लिया है। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस वॉलेट इन इट एंड इंशाल्लाह ताला आई विल बी यूजिंग इट। सो ये थी मेरी, अच्छा जी हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से स्कैम हुई हूँ। ये तो मेरी शॉपिंग थी, ये भी मेरी शॉपिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आजकल एक मसाजर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और मैंने वो वाला मसाजर जो है वो मैंने एक और ब्रांड पे देखा था, एडोर पे, एडोर आई थिंक, एंड उन्होंने ना वो मुझे भेजा ही नहीं। मैंने कुछ मार्च में उसको ऑर्डर प्लेस किया था, वो मुझे कभी उन्होंने भेजा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, मुझे वो चीज़ चाहिए थी तो एक और एड आया, एंड एड आया एंड वो एड जो है ना मैं उधर इधर लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि वो किस ब्रांड का है। और वो एड आया और उसके बाद जो है वो एड उन्होंने क्या किया कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। 4500 रुपीज़ की वो चीज़ थी और वो बड़ा वाइट कलर और बड़ा खूबसूरत किस्म का, एंड आई वाज लाइक ये मसाजर फेस वाला मैं ज़रूर लूँगी। मैंने ले लिया एंड आप लोगों ने तस्वीर देख ली होगी कि वो क्या लगी हुई थी उस वेबसाइट पे। आय हिरा के नाम से जो है वो वेबसाइट है एंड उन्होंने क्या मुझे भेजा, दिस थिंग
जो कि चाइना की बहुत ही पथेटिक क्वालिटी, जो कि दराज पे आई थिंक 700 रुपए की मिल रही है, वो इस तरह से स्कैम कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी कप ये कागज देख रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज द मसाजर, और वहां जो मसाजर है उसमें है जी इसके अंदर यूएसबी लगती है, गुड क्वालिटी। ये इतना हल्का है कि बस डोंट आस्क। 4,500 रुपए मैंने उनको मैसेज किया, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने मुझे कहा हम आपका चेंज कर देंगे, आई एम सो सॉरी, और फिर उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और ये पुरानी बात है, मैं तो भूली हुई थी कि इसको कभी दिखाऊंगी, लेकिन आई वॉज लाइक इट्स बेटर कि आप लोग उस चीज से स्कैम ना हो, उस वेबसाइट पे ना जाएं। और इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ, उन्होंने सिर्फ अपनी एड के लिए जो है ना वो एक पेज बनाया हुआ है और आई हेरा के नाम से। और वेबसाइट पे आप जब उस पेज थ्रू या मतलब एड पे जब क्लिक करते हैं तो उनकी वेबसाइट खुल जाती है, जब वेबसाइट खुलती है तो वो जो आलीशान किस्म की मशीन है वो नजर आती है, और भेजते क्या है 700-800 रुपए का चाइना का ये, और ये बिल्कुल काम का नहीं है। इसके अंदर एक अदद सेल डलता है, मैंने इसको बिल्कुल यूज नहीं किया बिकॉज इट इज सो पथेटिक क्वालिटी। एंड आई वॉज लाइक कि आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर करूं ताकि प्लीज आप लोग इस स्कैम में ना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो कि तो बस तफार, मतलब आप क्या शो करना चाह रहे हैं, बस ये हल्का सा वाइब्रेट करेगा एंड ये आप अपने फेस ना, तो इधर जो उस वीडियो के अकॉर्डिंगली है यहाँ पर लाइट्स निकलती हैं, ग्रीन रेड ब्लू कुछ भी नहीं है, ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। और बस ये एक पथेटिक सा जो है उन्होंने मुझे चीज भेज दी है। They are scams, so please don't order from them. I wish Adore वालों ने मुझे भेज दिया होता तो मैं ये कभी भी ना खरीदती। Seriously, 4,500 रुपए मेरे जाया हो गए and बस मुझे था कि मैं ये आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ कि please इन scams में मत पड़ा करें। अच्छा जी, अब मैं करती हूँ आप लोगों से टाटा बाय बाय, सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दो मुझे याद रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।